लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीती हैं, हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुना है। इस कदम के तहत मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए का नेतृत्व करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, उसने भी बैठकें की। यह बैठकें भविष्य की रणनीतियों और संभावित गठबंधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। इन घटनाओं का मकसद आने वाले चुनावों के लिए तैयारियां करना और सरकार बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था, मगर उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। बुधवार को एनडीए ने तमाम नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें 16 दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि हम सभी ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और हमने जीत भी हासिल की। इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। वहीं तमाम घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र जेपी नड्डा को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार बनानी चाहिए। तमाम लोगों की सहमति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कुल 24 नेताओं ने इस प्रस्ताव पर साइन किया है। 5 जून को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी बैठकें की। विपक्षी नेताओं ने साझा रणनीति बनाने और भविष्य की नीतियों पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संभावित गठबंधन और संयुक्त उम्मीदवारों पर चर्चा की। इन बैठकों में प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और जनता के मुद्दों को लेकर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने पर जोर दिया। देश भर में एनडीए और विपक्षी दलों के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। नई सरकार के गठन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा जारी है। एनडीए की तीसरी बार जीत और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विपक्ष भी मजबूत भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है।